हम पढ़ रहे थे पंचकर्म के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारकम की पहली कथा क्षपणक कथा। उसमें हमने इस श्लोक तक पढ़ा था, सकुलम कुशलम सुजनम विहाय कुल कुशल शील विकले अपि आढ्ये कल्प तराविव नित्यम रचयन्ति जन निवहा। यानी जो जन निवहा यानी के लोगों का जो समूह है वह सकुल कुशल और सुजन जो लोग होते हैं उन्हें छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, कुल कुशल शील से विकल जो है यानी कुल कुशल और शील यानी ये गुण जिनके पास नहीं है, ऐसे मनुष्य जो धनी है उनके पास में रहते हैं किस प्रकार, रजंती यानी रंझे हुए रहते हैं किस प्रकार, जैसे कल्पतरु नित्यम कल्पतरु के रहते हैं लोग। ठीक है, ये वाला सूत्र हमने देख लिया था, ये सूत्र नहीं ये वाला श्लोक हमने पढ़ लिया था। ये श्लोक किस किस प्रसंग में है, ये जो हमारा मणिभद्र नाम का सेठ है जो पाटलिपुत्र दक्षिणाति में स्थित पाटलिपुत्र नामक नगर में रहता है और जो कालांतर में किसी प्रकार से धन विहीन हो गया है, वो अपनी निर्धन हुई दशा का सोच उसकी चिंता करते हुए ये सब कुछ सोच रहा है। उसी के उसी प्रकरण अंतर्गत हमने ये श्लोक पढ़ा था। उसके बाद में एक और श्लोक है जो इसी उसकी इसी स्थिति का विवरण दे रहा है, वो ये है कि विफलम एव पूर्व सूक्त विद्यावंतोपि कुल समुद्भूता यस्य यदा विभव स्यात् तस्य तदा दासताम यान्ति। कहने का अर्थ है विफलम यह पूर्व सूक्त और कोमा करा है, इसका मतलब यह हुआ कि विफलम विफल होता है यह पूर्व सूक्त, पूर्व में किए गए जो अच्छे कार्य हैं वह विफल ही हैं। यूजुअली कहा जाता है कि पूर्व जन्म में किए हुए काम होते हैं जिन्हीं की वजह से हमें इस जन्म में बहुत कुछ अच्छा मिलता है, तो ये उन्हीं पूर्व जन्मों को पूर्व जन्मकृत सुकर्मों को दोष देता हुआ कह रहा है कि अगर हमने वो किए भी हैं तो वो भी बुरे ही हैं, और उनको बताते हुए कि क्यों बुरे हैं उसने आगे कहा है विद्यावंतो अपि, जो विद्वान है वह भी कुल समुद्भूता कुल से उद्भूत है, कुल समुद्भूत है यानी वो कुलीन है, कुलीन होते हुए और विद्यावंत होते हुए भी यस्य यदा विभव स्यात् जिसके यहाँ विभव होता है तदा दासताम यान्ति, यानी विभव यानी यहाँ हमें धन से लिया है यानी जिसके पास धन है, जिसके पास धन है उसी के यस्य यदा यानी जब, यदा यानी जब, यस्य जिसका, यस्य का अर्थ होता है जिसका, क्यों सिंपल दिख रहा है ये षष्ठी है और षष्ठी हमेशा काफ की में आती है, तो जिसका यस्य यानी जिसका जब विभव, विभव यानी वो जब अपने धन की उत्कृष्ट स्थिति में होता है, यहाँ उस शब्द से लेना चाहिए विभव से, उसका रीजन ये है कि हम यहाँ धन की बात कर रहे हैं तो इसे भी धन से ही लेना है, तो जब जो विभव में अच्छा है स्यात् होता है, स्यात् माने होता है अस धातु का है, तस्य तदा दासता म्यान्ति उसकी तब वहां उसकी दासता करनी पड़ती है, यानी कि विद्यावान और कुलीन जो मनुष्य है उसको उसको किसकी दासता करनी पड़ती है, जिसके पास धन है उसकी, और कब करनी पड़ती है जब उसके पास धन नहीं है, यानी जितने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं और उन अच्छे कर्मों की वजह से वो विद्वान है, उन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से वो कुलीन है, यानी जो पूर्व जन्म है उनकी जो अच्छे कर्म है पूर्व जन्मकृत सुकर्म है उनके कारण उसे विद्यावान और कुलीन स्थिति में जन्म मिला है, लेकिन फिर भी अगर उसके पास धन की कमी पाई जाती है तो वह धन की कमी उसे मजबूर कर देती है ऐसे लोगों के दासता करने के लिए जिनके पास धन है। ठीक है, इस वजह से उसने पूर्व जन्म कृत अच्छे कर्मों को विफल कहा है। ये श्लोक समझ में आ गया, वो उन कर्मों को दोष देते हुए कह रहा है कि वो सब कर्म
विफल है। क्यों? क्योंकि वो कुलीन होते हुए भी और विद्वान होते हुए भी मनुष्य की सहायता नहीं कर सकते। वो उसे कुलीन और विद्वान तो बना देते हैं, लेकिन अगर धनवान नहीं बनाते तो उसकी सहायता नहीं कर सकते। अभी अगले श्लोक में उसने इसी व्यथा को आगे बताते हुए लिखा है, लघु रयमाह न लोकः, हाँ ये शपनक कथा ही चल रही है अभी तक। अभी तक मणिभद्र जो अपने सोते समय चिंता कर रहा था वो ये चिंता के ही श्लोक चल रहे हैं अभी तक। तो चिंता के बाद की पोजीशन अभी आई नहीं है, ये आखिरी श्लोक है। इस श्लोक के बाद में उसका स्वप्न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला हमने ये श्लोक पढ़ा था, कुदृष्टम कुपरिजातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम, वो वाला श्लोक पढ़ा था। उस श्लोक के बाद कथा का शुरुआत हुआ था, जिसके अंदर हमने बताया था दक्षिणात्य में पाटलिपुत्र नामक नगर में मणिभद्र नाम का शेर रहता था और कालांतर में उसका धन क्षीण हो गया था। तो धन क्षीण होने की वजह से वो जो चिंता कर रहा था उसी के बारे में हमने ये बाकी के श्लोक पढ़े। ठीक है, इस श्लोक के बाद में कथा आगे बढ़ेगी, क्योंकि इतने सारे श्लोकों में सिर्फ उसने अपनी चिंता ही व्यक्त करी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लघु रयमाह न लोकः कामं गर्जन्तमपि पतिं पयसां सर्वलज्जाकरमिह यद्यत् कुर्वन्ति परिपूर्णा। ये कह रहा है लोकः कामं गर्जन्तमपि पयसां पतिं, लोकः यानी संसार के लोग कामम गर्जंतम अपि, गर्जित होते हुए समुद्र को भी क्या कहते हैं, पतिम पयसाम, जो यह तुच्छ है ऐसा कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सर्व लज्जा करमी है यद्यत् कुर्वन्ति परिपूर्णा। लघु रयम यानी यह छोटा है, लघुर अयम लघु अयम इसका अर्थ हुआ लघु अयम, यानी यह अयम मतलब यह लघु यानी छोटा है। ठीक है, आह आह यानी कहते हैं कौन, लोकः न लोकः संसार का कोई भी लोग, जो लोग हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि यह छोटा है। कामम गर्जन्तम अपि पतिं पयसाम, सागर को जल के सर्व लज्जा कर्मी है यद्यत् कुर्वन्ति परिपूर्णा। अलज्जाकर्मी इह, अलज्जाकर क्या है यानी लज्जाकर नहीं है। ठीक है, सर्वम सब कुछ यद्यत् कुर्वन्ति परिपूर्णा, जो जो करते हैं हरे पूरे लोग। अभी इसको पूरा अर्थ निकालेंगे तो इस तरह का निकलेगा, कि संसार के जो लोग हैं वो कभी भी नहीं कहते कि यह हल छोटा है, किसको, कामम गर्जन्तम अपि, ऐसे ही गरजता हुआ अगर कोई है पतिम पयसाम यानी कि पानी का जो सागर है, पतिम पयसाम पानी का सागर, पतिम मने सागर, इसे पति भी कहते हैं लेकिन यहाँ इसका अर्थ सागर है। ठीक है, तो पतिम पैसा पानी का सागर जो सिर्फ गरजता है, जो सिर्फ गरजता है उसे भी लोग लघु रयमा ये छोटा है ऐसा नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी से भरा हुआ है, इसलिए सर्वम अलज्जा करमी यद्यत् कुर्वन्ति परिपूर्णा, यानी जो जो करते हैं परिपूर्ण लोग, परिपूर्ण यानी जिनके पास खूब धन संपदा है, यानी अगर वो पानी से पूरा भरा हुआ है तो अगर वो सारे गजर गरज भी रहा है तो लोग उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन अगर क्यों, क्योंकि परिपूर्ण जो लोग भरे पूरे हैं उनके बारे में कुछ भी लज्जा कर नहीं है, वो कुछ भी कहें तब ठीक है। कहने का मतलब है कि जो धनवान व्यक्ति है, जो धन से परिपूर्ण है, वो कुछ भी कहेगा ना लोगों को मंजूर होगा,
लेकिन जो खाली होगा वो पर्सन कितना भी गुणी हो फिर भी लोग कहे बिना नहीं जाएंगे, इस श्लोक का ये अर्थ बैठता है। ठीक है, समझ आ गया ना? नहीं समझ आया मेरे को हाथ वापस पूछ लेना। तो स्टोरी में इतनी इतनी देर तक इसके द्वारा ये सब करने के बाद में स्टोरी आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? एवं संप्रधार्य भूयोप्य चिंतयत, यानी ये सब कुछ निश्चय करके फिर उसने ऐसा ऐसा चिंतन किया। क्या चिंतन किया? अतद अहम अनशनम कृत्वा प्राणान उत्सृजामि, यानी तद यानी अब अहम यानी मैं अनशनम अनशन करके, अनशन यानी अन अशन, अशन यानी खाना होता है, अनशन इसको पूरा करेंगे तो शब्द बनेगा अनशन, इसका अर्थ होता है खाना नहीं खाना। तो इसने क्या निश्चित किया? उसने ये सब सोच के ये निश्चित किया कि अब मैं अनशन करके कृत्वा यानी कत्वा प्रत्यय लगवा, कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय यानी करके, तो मैं अब अनशन करके प्राणान उत्सृजामि प्राणों का उत्सर्जन कर दूंगा। प्राणों का उत्सर्जन कर देना मतलब प्राण त्याग। ठीक है, फिर किम अनेन नो व्यर्थ जीवित व्यसनेन, अभी इस ऐसे व्यर्थ जीवन को जीने से अभिप्राय ही क्या है, क्यों मैं इस जीवन को जीऊं जो इतना व्यर्थ है। ठीक है, एवं निश्चयम कृत्वा सुप्तः, ये सब कुछ निश्चित करके कि अब से मैं अनशन करूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा, और वो सो गया। ठीक है, उसके सोने के बाद क्या हुआ? अथ तस्य स्वप्ने, अब उसके स्वप्न में पद्म निधिः क्षपणक रूपो दर्शनम दत्वा प्रोवाच, उसके स्वप्न में पद्म नामक निधि ने क्षपणक के रूप में, क्षपणक होता है बौद्ध भिक्षुक जो श्रमण होते हैं उनको बोलते हैं क्षपणक, उसने क्षपणक के रूप में पद्म निधि ने अपने उसके स्वरूप में दर्शन दिए स्वप्न के अंदर, और क्या कहा? भो श्रेष्ठी ने, ठीक है वो मेरे मतलब बालक श्रेष्ठ या जो भी उसका है, तो माम त्वम वैराग्यम गच्छ, तुम विरक्त माँ मतलब मत हो, माँ मतलब मत हो, त्वम तुम वैराग्यम गच्छ, तुम वैराग्य क्या गमन मत, यानी तुम वैराग्य मत लो, अहम पद्म निधि मैं पद्म निधि हूँ, तव पूर्व पुरुषोपार्जित, तुम्हारे पूर्व पुरुष उपार्जित, पूर्व पुरुष उपार्जित पूर्व कर्मों द्वारा उपार्जित मैं पद्म निधि हूँ, यानी इसने अभी कुछ देर पहले ही पूर्व सुकृतम कर्मों को, पूर्व कर्मों को दोषारोपण किया था कि पूर्व कर्म किसी काम नहीं आते, लेकिन उन्हीं पूर्व कर्मों द्वारा उपार्जित जो पद्म नामक निधि है उसने से सपनों में दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व में उपार्जित पद्म निधि हूँ और मैं तुम्हारे घर पे आना चाहती हूँ। ठीक है, इसलिए अपना वैराग्य धारण मत करो। अब ये क्या करे? तद अनेनेव रूपेण, मैं इसी रूप में प्राप्त्वा प्राप्त होकर त्वत तुम्हारे ग्रहम घर में आगमिष्यामि आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर में इसी रूप को धारण करके आऊंगा। किसने बोला है? पद्म निधि ने क्षपणक के रूप में उसके स्वप्न में आकर कहा है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा तत् त्वया, इस अब तुम अहम लगुड़ प्रहारेण, मुझे लगुड़ यानी कि डंडा होता है या लकड़ी होती है उसको लौटते हैं लगुड़, प्रहारेण यानी प्रहार के द्वारा, तो तुम मुझे डंडे के प्रहार द्वारा शिरसी ताड़नीय, शिरसी यानी शिर में ताड़नीय यानी मारना, यानी मुझे लकड़ी के प्रहार द्वारा शिर में मारना, कब? जब मैं कल आऊं तब। ठीक है, येन कनकमयो भूत्वा अक्षयो भवामि, इससे मैं कनकमय यानी कि स्वर्णमय होकर, होकर यानी भूत्वा यानी होकर, ये भी भू धातु में कृत्वा प्रत्यय लगाया, जैसे वो था ना क्री धातु में कृत्वा, वैसे यहाँ भूत्वा बना है, अक्षयो भवामि अक्षय हो जाऊंगा, यानी वो ऐसा स्वर्ण होगा या ऐसा धन बने, वो स्वर्ण बन के ऐसा धन बनेगा जो अक्षय रूप से उसके पास निवास करेगा, यानी वो उसके जीवन में वो कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि उसने ये पद्म नामक निधि उपार्जित की है। ठीक है, और पद्म नामक निधि द्वारा जो उसे स्वर्ण प्राप्त हो रहा है वो अक्षय होकर के उसके पास निवास करेगा, ऐसा उसको स्वप्न में देखा है। ठीक है, अभी इसके बाद अगला श्लोक आता है ये वाला,
महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छको मुकुंद कुंद नीलाश्च खरवश्च निदयो नभ। ये वाला श्लोक सिर्फ उसके हिसाब से ही नहीं, इसे याद भी कर लेना। ये नौ निधियों के नाम है। पांच सिद्धियां होती है और नौ निधियां होती है, उसमें से नौ निधियों में से पहली है पद्म नामक, दूसरी है पद्म नामक निधि जो इसके स्वप्न में आई। टोटल निधियां होती है नौ। कौन कौन सी? महापद्म, पद्म, तीसरी शंख, चौथी मकर, पांचवी कच्छप, छठी मुकुंद, सातवी कुंद, आठवी नील और नवी खर्ग। इस प्रकार से नौ निधियां, ठीक है। तो पद्म निधि का वर्णन करने के बाद में कथाकार ने यूं बताया कि निधियां नौ होती है, उसमें से ये दूसरी निधि है पद्म निधि, जो इसने अपने पूर्व कर्मों से प्राप्त की थी और उसी ने उसके सपने में आकर कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम बस मुझे अपने पास रख लेना लगुड़ प्रहार करके सिर पे, और मैं तुम्हारे पास अक्षय धन होकर निवास करूंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? अतः प्रातः प्रबुद्ध, यानी सुबह जागकर, सन स्वप्नम स्मरण चिंता चक्र मारूढ़ तिष्ठति। जो इस रात को स्वप्न देखा था उसको याद करके, स्मरण यानी याद करके, चिंता चक्रम आरूढ़, चिंता चक्र में आरूढ़ होकर, यानी चिंता के चक्र में फिर से घूमने लग गया उसका, उसके सिर में फिर से वही चिंताएं घूमने लग गई, उसी चक्र में आरूढ़ भी। इस तरह से अपन लक्षण वगैरह करते हैं ना कि चिंता चक्र में आरूढ़ हो गया, यानी फिर से वो चिंता करने लग गया, जो चिंता का चक्र है उसमें फिर से पड़ गया। आरूढ़ तिष्ठति, और बैठ गया, उठ के बैठ गया और चिंता के चक्र में फिर से पड़ गया। अभी वो क्या सोच रहा था? अहो अरे सत्यो अयम स्वप्न किम वा असत्यो भविष्यति, यानी यह स्वप्न सच था या असत्य था। फिर लिखा है न ज्ञायते, यानी मैं नहीं जानता कि ये सपना सच था या असत्य था। क्यों? अथवा नून मिथ्या अनेन भाव्यम, ये हो सकता है कि ये मिथ्या हो, असत्य ही होगा जरूर, ठीक है। ये तो अहम अहर निशम केवलम वित्तमेव चिंतयामि, ये मिथ्या होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि मैं सारा दिन सिर्फ धन के ही बारे में चिंता करता रहता हूँ, तो धन ही आएगा मेरे स्वप्न में। तो कहा भी जाता है ऐसा करके उसने लिखा है, उक्तम च, यानी कहा भी जाता है क्या, व्याधितेन सशोकेन, व्याधितेन सशोकेन चिंता ग्रंथेन जंतुना कामार्तेन अथमत्तेन दुष्ट स्वप्नो निरर्थक। कहा, कहने का अर्थ है कैसा स्वप्न निरर्थक होता है जो किसे दिखाई दे, व्याधितेन जो व्याधित है, यानी जिसे कोई लंबी व्याधि हो रखी है, उस पुरुष को अगर कोई स्वप्न आए, जो शोकग्रस्त है उसे कोई स्वप्न आए, चिंताग्रस्त है उसे कोई स्वप्न आए, जंतुना यानी जंतुओं को अगर कोई स्वप्न आए, कामार्थे कोई कामार्थ है उसे स्वप्न आए, और मत्तेन जो मत्त है, उन्मत्त यानी पागल है, उसे कोई स्वप्न आए। क्यों? क्योंकि जो व्याधित है उसे व्याधि के अनुसार स्वप्न आएंगे, उसकी व्याधि के लक्षण के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस वजह से सशोकेन जिसे शोकग्रस्त है, वो जिसकी वजह से शोकग्रस्त है उसी के बारे में स्वप्न देखेगा, इसलिए उसके सत्य होने की कोई चिंता वो नहीं होती, कोई संभावना नहीं होती। चिंताग्रस्त जिस चिंता में ग्रस्त है उसकी सफल होने का स्वप्न देखेगा। कामार्थ है वो अपने काम की पूर्ति के स्वप्न देखेगा। मत्त है वो कुछ भी स्वप्नों में देख सकता है, इसलिए इन सबके जो स्वप्न है वो निरर्थक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके द्वारा जो इच्छित है वो उनको दिखाते हैं, ये स्वप्न उनको जो इच्छित है, और इन सबको कुछ ना कुछ इच्छित होता है, इसीलिए वो व्याधित शोकग्रस्त चिंताग्रस्त होते हैं, ठीक है। इन सबका स्वप्न निरर्थक होता है, ये सोचकर उसने कहा, एतत् तस्मिन् अनंतरे तस्य भार्यया कश्चिन् नापितः पाद प्रक्षालनम् आहूतः। इसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो पत्नी है उसने किसी नापित को पाद प्रक्षालन के लिए घर में बुलाया हुआ था, नापित यानी नाई, ठीक है। एतत् एतस्मिन् अनंतरे यानी इसी अनंतर में, यानी इसी
ये ही घटनाक्रम चलते चलते ऐसा होया हुआ था कि उस सृष्टि की जो भार्या थी यानी उसकी जो पत्नी थी उसने किसी नापित को अपने पैद प्रक्षालन के लिए बुलाया हुआ था। अत्रात्रे च यथा निर्दिष्ट क्षपणा सहसा प्रादुर्भवत्। और इसी अनंतर में जैसा कि स्वप्न में निर्देश हुआ था उसी प्रकार का एक क्षपण यानी एक श्रमण बौद्ध श्रमण सहसा यानी अचानक ही उसके घर पे आ गया। अथ स तमालोक्य प्रहृष्ट मना। अभी वो जो था स यानी वो मणिभद्र श्रेष्ठ वह उसे देखकर प्रहृष्ट यानी अपने मन में बहुत खुश हुआ। यथा सन्न काष्ठ दंडेन तम शिरस्य ताड़यत। और उसने वहीं से काष्ठ दंड उठाया इन लकड़ी का एक बड़ा सा डंडा उठाया और तम शिरस्य और उसके सिर पर ताड़यत उसके सिर पे दे मारा। ठीक है सो अपि सुवर्णमयो भूत्वा। और वह जो श्रमण था सुवर्णमय होकर भूत्वा यानी होकर तत्क्षणात उसी समय भूमौ निपतितः भूमि पर गिर पड़ा। अथ तम स श्रेष्ठी निभृतम स्वगृह मध्ये कृत्वा नापितम संतोषम प्रोवाच। और उसको उस श्रेष्ठी ने निभृतम स्वगृह मध्ये अपने ही घर के अंदर लेकर चुपचाप धीरे से कृत्वा स्वघर मध्ये मतलब स्वगृह मध्ये अपने घर के मध्य में यानी अपने घर के अंदर या भीतर लेकर कृत्वा यानी छिपा कर नापितम संतोष प्रोवाच। नापित को संतोष संतोषित करके अब संतोष किससे करेंगे धन आदि वगैरह देके ही संतोष देंगे उसी हिसाब से उसको मतलब जितना वो नाई वगैरह मांगते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको एक बार काफी सारा धन देके उसको संतुष्ट करके और उसको प्रोवाच यानी कहा क्या कहा तदेतद् धनम इस प्रकार जो धन है वस्त्राणि च मया दत्तानि ग्रहण जो इस प्रकार मैंने तुम्हें वस्त्र और धन दिए हैं इनको ग्रहण करो भद्र और हे भद्र तुम पुनः कस्यचिन्नाख्या येयो अयम वृत्तांतः। पुनः कस्यचित किसी को भी पुनः न आख्येयो यानी मत बताना अयम वृत्तांत यह वृत्तांत किसी को भी कभी भी मत बताना और ये सारे कपड़े धन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इससे ले लो। इस प्रकार से उसने उसको ऐसा बोला और से रवाना कर दिया। ठीक है ये श्लोक ये पोर्शन समझ में आ गया। उस तो नापित घर आया हुआ था पाद प्रक्षालन के लिए और उसी टाइम में अचानक से क्षपणक आ गया और क्षपणक के आते ही उसने वहां डंडा देखा और उसके सिर पे दे मारा सपने की वजह से। और जैसे ही डंडा उसके ऊपर दिया वो सोने का होके जमीन पे गिर गया। उसने उसको जैसे तैसे अपने घर के अंदर डाला लेकिन नाई ने देख लिया था इसलिए उसको कपड़े वगैरह धन वगैरह देके संतुष्ट किया और बोला कि ये सब ले लो और किसी को भी इसके बारे में मत बताना। ऐसा करके उसने उसको रवाना कर दिया। उसने सोचा अब कुछ नहीं होगा लेकिन उसके बाद क्या हुआ नापित अपि स्वगृहं गत्वा नापित भी अपने घर गया। यह चिंतित और सोचा घर जाकर के क्या सोचा नूनम एते सर्वेपि नग्नका शिरसि दंड हता कांचनमया भवन्ति। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी नग्नका जो ये नग्न रूप के दिगंबर जो घूमते हैं बिना कपड़ों वाले शिरसि दंड हता सिर में दंडा मारने से कांचनमया भवन्ति मतलब स्वर्णमय हो जाते हैं। तद अहम अपि तब तो मैं भी प्रातः प्रभुतान न आहूय इन्हीं सबको सुबह सुबह इन सबको बुलाकर लगुड़ी शिरसी निहन में लकड़ी से सिर पे खूब मारूंगा ये न प्रभुतम हाटकम में भवती और इसी तरह से ये मेरे घर में खूब सारा सोना हो जाएगा। एवं चिंतयो तो महता कष्टे निशा व्यति चक्राम और इसी यही सब सोचते सोचते उसकी रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। पूरी रात यही सब कुछ सोचता रहा कैसे करूंगा देखे हो जाएगा ऐसे करूंगा तो हो जाएगा क्योंकि उसने देखा तो भाई ऐसे इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो लोग होते हैं दिगंबर जो श्रमण होते हैं इनको मैं अगर सिर पे मारूंगा तो ये वो हो जाएंगे सोने में बदल जाएंगे ये तो सारे ही सोने के होते हैं। ठीक है तो कष्ट से उसकी जो रात बीती उसके बाद क्या हुआ उसके बाद अगला श्लोक है जयंती ये जिना ये शाम केवल न ज्ञान शालिनम आजन्म न स्मरात पत्तौ मानसेन नोशरायितम।
तो ये कह रहा है कि जयंती ये जीना ये शाम केवल ज्ञान शानिलम, जिन्होंने एकमात्र सतत ज्ञान का ही चिंतन किया है, केवल ज्ञान शानिलम ये शाम, जिन्होंने जयंती ते जीना, वे ही जिन सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, आज जन्म न स्मरोत्पत्तो, जन्म से ही स्मरोत्पत्तो यानी काम विकार की उत्पत्ति के विषय में मानसेन मन के द्वारा ओशरायितम ऊसर भूमि की तरह आचरण किया, यानी मन मन जिनका इन सब चीजों के मामले में ऊसर हो चुका है, किनके मामले में, काम आदि जो विकार हैं, स्मरोत्पत्तो यानी काम आदि विकार की उत्पत्ति के विषय में, इनके विषय में जिनका मनस ऊसर हो चुका है आज जन्म से ही, ऐसे जो जिन हैं जो केवल ज्ञान का ही शालन करते हैं, ज्ञान का ही चिंतन करते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा उसने सोचा। उसके बाद सा जीवा या जिनम स्तौति, वह जीवा जो जिनकी स्तुति करती है, तच्चित्तम या जिने रतम, वह चित्त यानी वह मन जो जिन में रत रहता है। अब जिन क्या है, जिन जैन धर्म में जिन कहते हैं उनको, जो उनके पूज्य है उन्हें जिन कहते हैं। ठीक है, इसलिए जिन का मतलब ये है, तावे वच करो श्लाघ्यो, उन्हीं के हाथ श्रेष्ठ प्रशंसनीय है, यो तत् पूजा करो करो, वो जो उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। ठीक है, ये इन दो श्लोकों में वो स्नापित ने क्या चिंतन किया है, उस स्नापित ने जो जिन होते हैं श्रमण, उनके बारे में बताता, उनका उनकी तारीफ करते हुए बोला है कि भाई ये श्रेष्ठ है। ठीक है, उसके बाद अगला श्लोक है जो बड़ा है थोड़ा, ध्यान ध्यान व्याज मुपेत्य चिंतयसि कामोन्मील्य चक्षुषणम् पश्यानंग शरातूरम् जनमिमं त्रातापिनो रक्षसि मिथ्याकारुणिकोऽसि निर्घृणतरस्त्वत्तम् कुतोऽन्य पुमान् सैर्ष्यम् मारवधूभीरित्यभिहितो बुद्धः जिनः पातु वा। ये थोड़ा बड़ा श्लोक है। सबसे पहले है ध्यान व्याजम, यानी ध्यान के व्याज से, ध्यान के व्याज से उपेत्य, उपेत्य यानी प्राप्त करके, चिंतयसी कामुन मिल्य चक्षुम क्षण, एक क्षण के लिए चक्षु क्षण 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 के लिए चक्षु चक्षु को यानी आंख को कामुन मिल्य यानी काम उन्मील्य चक्षु यानी आंख को खोलकर, उन्मील्य चक्षु उन्मील्य काम चिंतयसी काम की चिंता करते हैं, मतलब ध्यान व्याजम उपेत्य ध्यान के व्याज को उपेत्य यानी मतलब ध्यान का बहाना करके, ध्यान का बहाना करके जो एक चक्षु को एक क्षण भर के लिए ही एक चक्षु को खोल मतलब आंखों को खोलकर क्षण भर के लिए ध्यान का बहाना करके बैठे हुए क्षण भर के लिए आंखों को खोलकर काम को चिंतित करते हैं। ठीक है, पश्यानंग शरातुरन जन्ममि त्राता अपि नो रक्षसी, चिंतयसी ये मध्यम पुरुष है, ये जो चिंतयसी है ये मध्यम पुरुष है, करते हैं का नहीं करते हो है। ठीक है, अभी हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होते हैं और उनसे हम क्या पता लगा सकते हैं। ये मध्यम पुरुष है यानी ये किसी को कहा जा रहा है कि ध्यान के व्याज से तुम बैठ कर क्षण भर के लिए ही आंखें खोलकर काम में चिंतित होते हो, पश्यानंग शरातुरम जनमिमं त्रातापि नो रक्षसी यानी अनंग शरातुरम मतलब काम के बाण से पीड़ित। ठीक है, पश्यान देखकर, यह देखकर
अनंग शरातुरम काम के बाण से तीरित जन्म इमं त्राता पिनो रक्षसी, इस जन को जो त्रायित कर रहे हैं उसकी रक्षा नहीं होगी। ठीक है, फिर मिथ्या कारुणिको असी निर्घृण तरस्व कुतो न्यपुमान शेष मार वधु भी इत्यभिहितो बुधः जिन पातुवा। मिथ्या कारुणिको असी, यह मिथ्या ही दयालु, व्यर्थ में ही दयालु हो, असी हो, व्यर्थ में ही दयालु हो, निर्घृणतर त्वतः, निर्घृणतर यानी निर्दयी, अन्यतरह कुतो अन्य, कहां अन्य कौन होगा, ऐसा ऐसा निर्दयी जैसे तुम हो, तू अतः जैसे तुम हो वैसे निर्दयी और कौन होगा मनुष्य। ठीक है, ईर्ष्यम, ईर्ष्या पूर्वक मार अभिहितो कहे गए मार वधु भी अप्सराओं के द्वारा जिन्ह पातुवा, मतलब जिनेंद्र को जो जिन थे उनको अप्सराओं के द्वारा ये सारी बातें कही गई थी, फिर भी वो अडिग रहे, ऐसे जिन हमारी रक्षा करें, पातुवा यानी रक्षा करें। कैसे जिन, यहाँ जिनकी स्तुति करी है या जिनके बारे में बोलते हुए कहा है कि ध्यान के व्याज से तुम काम में उन्मिलित होकर आंखें बंद करके बैठे हो, ध्यान के व्याज से तुम आंखें बंद करके बैठे हो लेकिन आंखों में से क्षण भर के लिए खोलकर काम का व्याज करते हो। ठीक है, और अपने इस मिथ्या करुणा को दिखाने वाले तुम्हें जरा भी ऐसा नहीं लगता कि तुम झूठा ये सब कुछ दिखाने में हमारे काम के व्याज से जो पीड़ित हैं उनको और ज्यादा पीड़ित कर रहे हो, और तुम्हें जरा भी ऐसा नहीं लगता, ऐसा ईर्ष्या पूर्वक जो अप्सराएं कह रही थी उस अप्सराओं की बातों को सुनकर भी जो अड़िग रहे अपने ध्यान में हटे नहीं, उन जिन वो जिन हमारी रक्षा करे, इस तरह से इस श्लोक में कहा गया है। ठीक है, श्लोकों के भावार्थ ना शायद लिख के देने पड़ेंगे, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं लिख के दे दूंगी, अगर बुक है तो बुक में पढ़ लेता, एक बार मैंने समझा दिया इसका अर्थ क्या कैसे पता है, मुझे लगता है इतना सफिशियंट होगा, पर फिर भी अगर किसी को अर्थ सहित चाहिए हो मुझे बता देना, मैं अर्थ सहित दे दूंगी। ऐसा सब कुछ उसने सोचा, किसने, नापित, तो उसके बाद लिखा है एवं संस्तुति, इस प्रकार स्तुति करके तथा प्रधान क्षपण कम आसाद्य क्षिति निहित जानो चरण, इसने ये सब कुछ सोचा नहीं, ये सारी स्तुति करके किसके सामने करी इसने, प्रधान क्षपणक जो मठाधीश क्षपणक था, यानी क्षपणकों का जो मठाधीश था उसके पास जाकर के उसने पृथ्वी के घुटने और पैर टेक कर क्षिति निहित जानु चरण, जानु और चरण यानी अपने घुटने और पैर क्षिति निहित जमीन पर टेक कर उसने क्षपणक प्रधान क्षपणक को ये सब स्तुति कर कहा नमोस्तु वंदे, आप की वंदना कर रहा हूं और आपको नमस्कार है, इत्युच्चार्य यह कहकर लब्ध धर्म वृद्धि आशीर्वाद, यानी धर्म वृद्ध का आशीर्वाद प्राप्त करके सुख मालिका अनुग्रह लब्ध व्रता देश, प्रसाद के रूप में गले की माला और उपदेश वगैरह प्राप्त करके उत्तरीय निबद्ध ग्रंथि गमछे की बिंडोरी बनाकर, निबद्ध ग्रंथि उत्तरीय यानी अपना उत्तरीय जो यहाँ कंधे में रखा जाता है कपड़ा उसको उत्तरीय कहते हैं, उसकी गंथी यानी उसको गांठ बांधकर ऐसा गोल गोल बना करके सप्रश्रयम इदमाह विनय पूर्वक यह कहा भगवान, हे भगवान यानी आप जो भी हैं भगवान यानी आप, अद्य आज विहरण क्रिया भोजन की क्रिया या प्रसाद ग्रहण करने की क्रिया समस्त मुनि समेतेन अस्मत ग्रहे कर्तव्य, समस्त मुनि यानी आपके जितने भी इसके अंदर आश्रम में इस मठ के अंदर जितने भी श्रमण हो सारे के सारे मिलकर मेरे घर में करना, ऐसा करके उसने उनको न्योता दे दिया। ठीक है, उसने कहा वो श्रावक, हे श्रावक धर्मज्ञोपि किमेवं वदसि, धर्म को जानकर भी क्यों ऐसा कह रहे हो,
किम वयम ब्राह्मण समाना यत आमंत्रम करोषि, कैसे हमें ब्राह्मणों के समान आमंत्रित कर रहे हो। ठीक है, वयम सदैव तत्काल परिचर्य या भ्रमंतु, हम हमेशा तत्काल परिचर्य यानी भोजन के समय उपस्थित होने पर ही भ्रमण करते हुए भक्ति बाजम श्रावकम अवलोक्य तस्य गृहे गच्छामः, वहीं पर खाकर श्रद्धालु भक्ति वाले श्रावकम जिन भक्त को देखकर तस्य उसके घर पर चले जाते हैं। तेन कृच्छाद अभ्यर्थितस्तद गृहे प्राण धारण मात्र मशनम क्रियाम कुर्मः, और वहां पर मुश्किल से ही जैसा भी अभ्यर्थित होकर प्रार्थना किए जाने पर उसके घर में जाकर प्राण धारण करने लायक जितना होता है उतना ही भोजन ग्रहण करके आ जाते हैं। तद गम्यताम ठीक है, जो इसलिए चले जाओ नैव भूयोपि वाच्यम, फिर से ये कभी मत कहना। ये कह रहा है कि तुम हमारे धर्म को जानते हो, हम जैसे खाने का टाइम उपस्थित होता है तब किसी के भी भ्रमण पे निकलते हैं, और कोई अगर हमारे धर्म में अच्छी आस्था रखने वाला होता है वो अगर कह दे कि हमारे यहाँ आके खा लो, तो वहां उसके वहां जाकर के उतना ही खाते हैं जितना हमारे प्राणों का निर्वहन करते और फिर आ जाते हैं। इसलिए यहाँ से चले जाओ, हमें ब्राह्मणों की तरह आमंत्रण मत दो, हम ब्राह्मणों की तरह नहीं खाते हैं। तत् श्रुत्वा नापित आह, यह सुनकर नापित बोला भगवन, हे भगवन वेदम यहम युष्मद धर्ममम, यानी मैं आप लोगों के धर्म को या नियम को अच्छी तरह जानता हूँ। परम भवतो बहु श्रावका आह्वयंती, किंतु आप लोग बहुत से गृहस्थ बहु श्रावका आह्वयंती बुलाते रहते हैं, मतलब आप लोगों को बहुत सारे जो श्रावक भक्त हैं, बहु श्रावका, श्रावक किसको बोलते हैं, गृहस्थ जो होते हैं भक्त वो श्रावक है, और जो ये सन्यासी होते हैं उनको हम श्रमण कहेंगे। तो श्रमण और श्रावक, इसको श्रावक और जो श्रमण है इनको क्षपण बोलते हैं। ठीक है, तो जो श्रावक हैं वो बहुत सारे हैं और वो बुलाते रहते हैं। सांप्रतम पुनः पुस्तका छादन योग्यानि करपटानि बहुमूल्यानि प्रगृणी कृतानि। ठीक है, संप्रति पुस्तकों को बांधने के लायक बहुमूल्य महंगे कपड़े के टुकड़ों को संचित करके रखा है, यानी मैंने इसलिए पुस्तकाच्छादन योग्य यानी पुस्तक को आच्छाद करने योग्य करपटानी यानी कपड़ों को बहुमूल्य यानी बहुमूल्य कपड़ों को प्रगुणी कृतानी यानी मैंने बहुत इकट्ठे करके रखे हैं। तथा पुस्तकानाम लेखनार्थम लेखकानाम च वित्तम संचितम आस्ते, यानी पुस्तकों को लेखन के लिए जो लेखकों का जो वित्त होता है वैसा भी मैंने खूब सारा संचित करके रखा है। ठीक है, तत् सर्वथा कालोचितम कार्यम, इसलिए सभी सब तरह से समय के अनुरूप काम करना चाहिए। ठीक है, उसने इसे लालच दिया, क्या लालच दिया, उसने कहा कि लेखकों के लिए धन संचित करके रखा है और जो पुस्तकें होती है उनके ऊपर चढ़ाने के लिए खूब सारा कपड़ा भी इकट्ठा करके रखा है, ऐसा लालच दिया उसने उनको। और इससे क्या हुआ, ततो नापितो अपि स्वगृहं गतः, इसके बाद में नापित अपने घर चला गया। तत्र च गत्वा खदिरमयम लघुडम सज्जीकृत्य कपाट युगलम द्वारी समाधाय, यानी तत्र च गत्वा उसने घर जाके क्या किया, खदिरमयम खदिर के लघुडम यानी बड़े बड़े जो डंडे थे सज्जीकृत्य अरे सज्जा करके कपाट युगलम जो दोनों दरवाजे थे उनको द्वारी समाधाय मतलब बंद करके सार्ध प्रहरेक समये भूयोपि, सार्ध प्रहर अर्ध प्रहर होता है आधा प्रहर, सार्ध प्रहर होता है डेढ़ प्रहर। ठीक है, तो डेढ़ प्रहर का समय बीत जाने पर भूयोपि फिर से विहार द्वारम आश्रित्य विहार के दरवाजे पर पहुंचकर सर्वान क्रमेण निष्क्रामतो गुरु प्रार्थनया स्वगृह आनीय, मतलब जैसे ही डेढ़ मतलब क्या करा, खदीर का डंडा सजाया दरवाजे बंद करके डेढ़ प्रहर वहां इंतजार किया। डेढ़ प्रहर हो जाने के बाद उसने ये सोचा कि अभी हाँ टाइम हो गया है उनके निकलने का, तो वहां गया। जैसे ही वो लोग निकले उनको ऐसे अनुनय विनय करके अपने घर की तरफ लेके आ गया। ठीक है, तते अपि सर्वे करपट वित्त लोभेन, वो सभी करपट यानी कपड़े के वित्त और लेखक वाले वो जो धन था उसके लोभ से भक्ति युक्तान अपि, भक्ति युक्त होते हुए भी परिचित श्रावकान परिचित मतलब भक्ति युक्त परिचित श्रावकों को परित्यज्य छोड़कर प्रहिष्ट मनस्तस्य पृष्ठतो ययुः, उस प्रसन्न होकर उस नाई के पीछे पीछे ययुः चले गए। ठीक है, अथवा साध्वीदम उच्यते, इस प्रकार साधु ने ऐसा कहा,
एकाकी गृह संत्यक्तः पाणी पात्रो दिगंबर सोपि संवाहिते लोके तृष्णया पश्य कौतुकम्। ये रहा श्लोक। एकाकी गृह संत्यक्त पाणी पात्रो दिगंबर सोपि संवाहिते लोके तृष्णया पश्य कौतुकम्। कौतुकम यानी पश्य कौतुकम्, कौतुक तो देखिए। इस स्टोरी का जो ये वाला मोड़ है, यहाँ पर लेखक ने ही कहा है कि कौतुक तो देखिए, यानी कैसी चीजें चल रही है देखिए तो सही। एकाकी गृह संत्यक्त, अकेले ही घर को छोड़कर पानी पात्रो दिगंबरे, बिना कपड़ों के रहने वाले, हाथों में लेकर पानी को ही, यानी हाथों को ही पात्र बनाकर खाने वाले, तो अपि संवाहिते लोके, वो भी संवाहिते संचालित हो रहे हैं किसके द्वारा, तृष्णया, तृष्णा के द्वारा संचालित होके जा रहे हैं, देखो तो कैसा हो रहा है, ये कहने की कोशिश करिए। ठीक है, यानी कैसा हो रहा है कि जो आप अकेले ही अपना घर परिवार छोड़ के निकले थे, वो भी कृष्णा के द्वारा होके। हाँ, मैं ना एक मिनट मीटिंग एड करती हूँ, वापस ज्वाइन करना सब। ओके।